प्रत्येक मनुष्य परेशान है, संताप से पीड़ित है, दुखी है, अशांत है, अतृप्त है। क्यों? अरे ये पांच कोष, पांच क्लेश, तीन दोष, तीन कर्म, तीन गुण, तीन शरीर, मानसिक, आध्यात्मिक, अनेक प्रकार के दुख, इन ये सबका बंधन है। और ये हमें दुखी किए हुए, हर प्राणी इससे छुटकारा पाना चाहता है, इन दुखों से मुक्ति पाना चाहता है। तो मुक्ति का उपाय क्या है? उसको जानने के अतिरिक्त दुखों से छुटकारा पाने का और कोई मार्ग नहीं। एक ही मार्ग, एक ही उपाय सुख पाने का, दुखों से मुक्ति पाने का, उसको जान लो। अरे वो है कौन? वो कौन है जिसको जानना है? और कौन जानेगा? जो जानेगा उसको कहते हैं जीवात्मा। और जिसको जानना है उसके अनेक नाम है। कोई उसको गॉड कहता है, कोई उसको खुदा कहता है, कोई उसको ताओ कहता है, कोई उसको अहुरा मस्त कहता है, कोई उसको सश्री अकाल कहता है, कोई उसको निरंजन कहता है, कोई उसको शून्य कहता है, अनेक नाम है उसके। चलो हम भगवान कहते हैं। तो भगवान को ही जानकर जीवात्मा दुखों से मुक्ति पा सकता है। दूसरा प्रश्न, जब जीवात्मा की बात आई तो हमारा मस्तिष्क ये सोचने लगा कि जीवात्मा, अरे वो जीवात्मा तो एक बिल्ली के अंदर भी है, कुत्ते के अंदर भी है, सुअर के अंदर भी है, गाय के अंदर भी है, सांप बिच्छू सबके अंदर है, हमारे अंदर भी वही आत्मा। तो क्या ये समस्त जीवात्माएं, अलग अलग देह जिसने धारण किया है, ये सब भगवान को जानकर सदा के लिए दुखों से मुक्ति पा सकते? क्या सब भगवान को जानने के अधिकारी हैं? बिल्ली भी जान सकती है, गाय भी जान सकती है, कुत्ता भी जान सकता है, सब जीवात्मा है ना। अमृतस्य वै पुत्रा वेद, वेद कहता है संपूर्ण जीवात्माएं उस अमृत स्वरूप भगवान की संतान है। तो संतान अपने पिता को जान सकती है? नहीं। नमानुषम विनान्यत्र, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी देहधारी भगवान को जान नहीं सकता।